आज तूफान आया है, वो भी बगैर तूफान के। तुम तो सूरत से सांड नहीं फांड लगते हो। अंत हो गया कन। दोस्तों, बॉलीवुड में बहुत कम ही ऐसे कलाकार हैं जिन्हें नाम से ज्यादा उनके किरदारों की वजह से उन्हें पहचाना जाता है। अरे भगवान से डर कंस आई। मैं भगवान से नहीं डरता। और गोगा कपूर का नाम भी एक ऐसे ही अभिनेताओं में शामिल है। अरे मार्केट में पैसा लेके काम नहीं किया तो अपना क्रेडिट खल्लास। गोगा कपूर बॉलीवुड के मशहूर दिग्गज अभिनेता थे। इनका जन्म 15 दिसंबर 1940 को पंजाब के गुजरांवाला पाकिस्तान में हुआ था। इनका असली नाम था रविंद्र कपूर। ने कहा, बच्चे अगर बोतल मांगे तो निप्पल वाली ही देनी चाहिए, निप्पल वाली। ये एक अमीर परिवार से थे, लेकिन विभाजन के बाद वो भारत चले गए और अपनी सारी संपत्ति खो दी। दरअसल 1947 में दोस्तों, भारत के विभाजन के दौरान वो अपने पिता से अलग हो गए थे, लेकिन उनकी माँ को दृढ़ विश्वास था दोस्तों कि एक दिन उनके पति उन्हें ज़रूर मिल जाएंगे। बहुत ही सूक्ष्म तरीके से कुछ सालों बाद वो एक कॉफी शॉप में उनसे मिली। नहीं नहीं, दूध पीने वाले बछड़े। दोस्तों, गोगा कपूर के पिता ने एक कपड़ा इंजीनियर के रूप में काम करना शुरू किया। अपने पिता की तरह ही गोगा कपूर भी टेक्सटाइल इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था दोस्तों। गोगा कपूर टेक्सटाइल इंजीनियर तो नहीं, पर एक अच्छे एक्टर तो जरूर बन गए। एक जमाने से मेरी यही आदत थी, मैं किसी भी हाल में रहूं मछलियों को खाना देना नहीं भूलता था। दरअसल फिल्मों में आने से पहले गोगा कपूर ने दोस्तों थिएटर में काफी काम किया था। शुरुआती दिनों में उन्होंने कई अंग्रेजी नाटकों में काम किया और अपनी एक्टिंग से उन्होंने ऐसा प्रभाव डाला कि जल्द ही उन्हें फिल्मों में ऑफर मिलने लगे। साल 1971 में उन्होंने फिल्म ज्वाला से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। वो एक के बाद एक कई फिल्मों में नजर आए। फिल्म कयामत से कयामत तक में उनके किरदार को काफ़ी पसंद किया गया था। अपने एक्टिंग करियर में गोगा कपूर ने 500 से अधिक फिल्मों में काम किया। हालांकि सबसे ज़्यादा सुर्खियां उन्होंने टीवी के मशहूर सीरियल महाभारत से बटोरी। इस शो में दोस्तों गोगा कपूर कंस के किरदार में नजर आए थे। उनका ये किरदार इतना हिट हुआ था कि असली जिंदगी में लोग उन्हें कंस मानने लगे थे। इस धारावाहिक में उन्होंने ऐसी एक्टिंग की कि लोग उनसे सच में नफरत करने लगे थे। एक इंटरव्यू में गोगा कपूर ने इस बारे में बताया था दोस्तों कि वो जहाँ भी जाया करते थे, लोग उनसे पूछते थे कि उन्होंने अपनी बहन देवकी के साथ ऐसा अत्याचार क्यों किया। दोस्तों, बतौर विलन गोगा कपूर ने कई फिल्मों में काम किया, लेकिन सबसे ज़्यादा फिल्म तूफान के शैतान सिंह के किरदार के लिए उन्हें याद किया जाता है। इसके अलावा गंगा जमुना, सरस्वती, सागर, अग्निपथ और मर्द जैसी दर्जनों हिट फिल्मों में उन्होंने काम किया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि गोगा कपूर अपने आखिरी दिनों में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। सन 2008 में उनको पार्किंसन हो गया था और करीब 2.5 साल तक वो इस बीमारी से जूझते रहे और 3 मार्च 2011 को लंबी बीमारी के बाद गोगा कपूर ने मुंबई के मलाड में इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। जख्मों से चूर मैं बिस्तर पर गिर पड़ा और मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते। वही जिंदगी, वही मरहले, वही कारवा, वही रास्ते, मगर अपने अपने मकाम पर, कभी तुम नहीं, कभी हम नहीं।